तो स्वागत है आप लोग का बहुत कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोग का जो 2023 में अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ था, अकाउंट्स ऑनर्स 2023 का ये क्वेश्चन है, जिसमें ट्रू फॉल्स का आज हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। आप लोग मिला लीजिए आप लोग का कितना सही हुआ है। अगर कुछ गलत भी होता है चिंता की बात नहीं है, समझ गए ना आप लोग, चिंता नहीं करना है। मिला लीजिए आप लोग सॉल्यूशन ट्रू फॉल्स का। पहला नंबर क्वेश्चन है, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म। भैया ये क्या बोल दिया भाई, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म पर एप्लीकेबल होती है, ये 12 में आप पढ़े होंगे पार्टनरशिप में, दिस इज फॉल्स। क्या फॉल्स? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सर एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम कहाँ डालते हैं? पीएल में, और पीएल में नॉमिनल अकाउंट होगा भाई, नॉमिनल अकाउंट होगा। एक्सपेंस कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट है, ट्रू। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं ना वो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इट इज टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट। भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक अपन 11 में फाइनल अकाउंट बनाते थे तो अपन देखते थे कि ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया है तो सर उसको कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट, एक जगह जाता है बैलेंस शीट में। बट अगर सर वो एडजस्टमेंट में लिखेगा तब हम दो जगह लेके जाते हैं, बट यहाँ पर लिखा है ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रेडिंग में जाएगा। जी नहीं, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आपको मैं समझा भी रहा हूँ एक से एक। ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज ऑलवेज, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर एट इनवाइस प्राइस। तो यस, द बायर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न गुड्स इन केस ऑफ हायर परचेज। देखिए हायर परचेज में जो है बायर के पास ये राइट होता है कि हाँ वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है। मान लीजिए उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया, उसके बाद उसको नहीं चाहिए तो वो रिटर्न कर सकता है। तो ये बात जो है वो ट्रू है। द बैलेंस इन शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सर कहाँ बनाते थे? अरे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अपन देखे होंगे रॉयल्टी में रहता था। अपेयर ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द लीज, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ये क्या होगा? फॉल्स। ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप विदाउट कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर। ये बात आप 12 में आप पढ़ के आए हैं। जी हाँ, ये बात सही है कि एक पार्टनर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है अपना जो इंटरेस्ट है इन पार्टनरशिप विदाउट कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर। सब पार्टनर जब सहमति देंगे तभी वो अपना ट्रांसफ़र कर सकता है। अंडर गार्नर वर्सेस मुरई केस, गार्नर वाज इंसॉल्वेंट, ये बात क्या है? फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स। ये शायद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे 3 साल का, उसमें से एक क्वेश्चन है ये। कैपिटल रिजर्व में यूज टू डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, जी नहीं, कैपिटल रिजर्व का यूज डिविडेंड देने के लिए नहीं किया जाता है, दिस इज अ फॉल्स। समझ रहे हो ना सर, डिविडेंड आपको देना है तो हम CRR अकाउंट बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब आपके कितने सही हुए ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के आए हैं अगर उनका आधा सही है और गलत से बना दिए हैं तो भैया उस पर नंबर नहीं मिलेगा, समझ लीजिए बात को। क्योंकि एलिमिनी जो है आंसर नहीं मिलेगा तो वो काट देगा, स्टेप मार्किंग नहीं होती है। जिन्होंने थ्योरी लिखा है, एक पेज भी लिखा है अकाउंट में, अगर थ्योरी लिखा है एक पेज लिखे दो पेज तो कुछ नंबर मिलेगा, बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत बना दिए या आधा बनाए तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, ये बात सुन लीजिए, क्योंकि एलिमिनी स्टेप मार्किंग नहीं देता है। ठीक है, इसमें आपका कितना सही हुआ कमेंट में करके जरूर बताइएगा।